अलीगढ़ में पुलिस ने शादी करके ठगी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए गैंग में 3 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। ये गैंग शातिर तरीके से कुंवारे युवाओं को फंसाकर पहले उनकी शादी कराता था और शादी के बाद उनका सामान लूटकर फरार हो जाता था। शादी के लिए गैंग की 3 महिलाएं स्वयं दुल्हनें बनती थी। शादी के अगले ही दिन सामान बटोरकर गायब हो जाती थी। पुलिस ने पकड़े गए गैंग के पास से शादी के दौरान दूल्हों से लूटे गए सोने चांदी की जेवरात, 27,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फोन और नींद की गोलियां आदि बरामद की है। CEO तृतीय अमृत जैन ने बताया कि कुंवारसी थाने में पुलिस को बीते दिनों 2 युवकों से शिकायत मिली थी कि उनकी शादी एक बिचौलिए द्वारा 80,000 रुपये लेकर कराई गई। शादी के बाद आई दुल्हनी अगले ही दिन घर में रखा सारा सामान लूटकर फरार हो गई। पुलिस ने पीड़ित दूल्हे मानव बंसल और दिनेश सिंघल की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लुटेरी दुल्हनों की तलाश करनी शुरू कर दी। CEO ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली एक बार फिर इन लुटेरी दुल्हनों के द्वारा पलवल में किसी अन्य युवकों को शादी करके फंसाया जा रहा है। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके से 3 दुल्हनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही इनके 4 अन्य साथियों को भी मेहरावल स्टेशन के पास से दबोच लिया। पकड़ी गई महिलाएं पूजा, अंजलि और अनम पहले से ही शादीशुदा है और उनकी इस शातिराना हरकत के पीछे उनके पति व एक अन्य की प्लानिंग रहती है। CEO ने बताया कि गैंग का मुख्य सरगना अंजनी का पति प्रदीप शर्मा है, जो षड्यंत्र के तहत अविवाहित युवकों को तलाश कर उनकी शादी गिरोह की महिलाओं से कराता था और उसके बाद आभूषण व नकदी को लूट ले जाता था। गैंग में शामिल महिलाएं व पुरुष शादी के दौरान सभी तरह के रस्म कराते थे और दूल्हे पक्ष के यहाँ जाकर दुल्हन को विदा कराते समय सारा सामान लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने गैंग के पास से सोने का एक गले का हार, 4 सोने के मंगलसूत्र, 1 सोने की चैन, 1 जोड़ी सोने की झुमकी, 3 सोने की अंगूठी, 3 जोड़ी सोने के कुंडल, 1 जोड़ी सोने की कान की बाली, 10 जोड़ी चांदी की बिछिया, 6 जोड़ी पायल, 1 घड़ी आदि के अलावा 27,200 रुपये की नकदी, नींद की दवाइयाँ, 12 गोली व 7 मोबाइल फोन आदि बरामद की है। यह अंतर्राज्य गिरोह अब तक 5 से अधिक शादियों कर अविवाहित युवकों को ठगी का शिकार बना चुका है। पलवल में भी नेहा की शादी ठगी के इरादे से की जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दबोच लिया। पकड़े गए गैंग के द्वारा की गई ठगी की वारदातों के खुलासे के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें थाना कुंवारसी और अलीगढ़ पुलिस ने एक बहुत ही अच्छा काम किया, जिसमें हमारे 18 तारीख को थाना कुंवारसी क्षेत्र में एक FIR रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई थी। तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने 2 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय, एक अंतर जनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही बहुओं को लेके और लड़कियों को लेके उनकी वही रिश्तेदार आते थे और उनकी विदाई करके वहां से निकल जाते थे। और ये सब जो यही काम इन्होंने कई जगहों पर किया है और अलग अलग नाम, अलग अलग फर्जी ID, आधार कार्ड, पहचान पत्र और अलग अलग मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करते रहे। पीछे का मोटिव यही है कि जो अविवाहित पुरुष हैं, जो इनोसेंट जो बैचलर्स हैं, उन्हें फंसा कर उनसे शादी करके और शादी में जो जेवरात और नकदी और जो भी हासिल हो सके वो सब लेके वहां से फरार हो जाना और उस प्रोसीड्स को, जो क्राइम का जो प्रोसीड है, उसको आपस में बांट लेना। देखिए, अभी तक की जो हमारी जांच और इंटरोगेशन में हमें लगभग 10 से 12 की शादियां जो इन्होंने की है, इन्होंने खुद कबूला है और इस बात की हमें अभी जांच और पुष्टि करने के लिए अभी और जांच करनी पड़ेगी। हालांकि 10 से 12 इन्होंने खुद भी कबूला है। इन पर एज अ गैंग तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इन गैंग मेंबर में एक मेंबर है जिसपे जवां में एक मुकदमा दर्ज है और एक मुकदमा और दर्ज है। टोटल 2 मुकदमे, प्रदीप नाम का एक व्यक्ति है जिसपे 2 मुकदमे दर्ज हैं और बाकी एज अ गैंग इन पर अभी तक कोई और मुकदमा दर्ज नहीं है। पहली कार्रवाई जो हम बड़ी कार्रवाई करें। कितना माल बरामद हुआ है? इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई अदद जो पीली धातुएं, जो सोने की चेन, अंगूठियां, बिछियां, झुमकियां और शादी में प्रयुक्त होने वाले मंगलसूत्र, कई इस तरह की चीजें बरामद हुई। उसी के साथ नकदी और कई मोबाइल और फर्जी आधार कार्ड वगैरह भी बरामद हुई।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समाज में आजकल अनेकों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं और यह फ्रॉड भी उसमें से एक तरह का फ्रॉड है, और हमें काफी सतर्क रहना चाहिए अगर हम इस तरह से रिश्तेदारी में और शादी शादी ब्याह के मामलों में अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें पूरी तरह उनकी जिनसे हम ये संबंध बना रहे हैं उनकी पहचान करवानी चाहिए। अगर हो सके तो लोकल थाना, लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके जो आधार कार्ड, उनके जो पहचान पत्र है, जो ऑथेंटिकेटेड गवर्नमेंट इश्यूज है, आप उन्हें भी वेरीफाई करवाएं। आप कई तरहों से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, आप चाहे तो लोकल जो थाना पुलिस जहाँ पे वो जनरली, मुझे लगता है ये समाज में हर पहले भी हुआ करता था और अभी भी होता है, पर कभी कभी अगर इस तरह की चूक हो जाती है तो हमें फिर इस तरह से बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं। ये जो पकड़े गए हैं ये पति पत्नी है, ये क्या पति पत्नी है? हाँ, इसमें से ये सामने आ रहा है कि तीन लोग, इसमें तीन जोड़े जो है वो सामने आए कि आपस में ये पति पत्नी है। हालांकि इसमें ये भी अभी जाँच का विषय है, क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आई कि पहले इनकी और भी शादियाँ हो रखी, तो ये पूरा जाँच का विषय आगे सभी चीजें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश सिंगल है सर। दिनेश, क्या हुआ? ये क्या नाम है, मेरी शादी कराई थी 16 तारीख को जी, और शादी कराने के बाद सवेरे क्या नाम है 10:30 करीब बाजार जाने के बहाने बाजार से भाग गई। क्या नाम है पत्नी का जो इसने आपके साथ? पूजा। पूजा, हाँ जी सर। क्या हुआ फिर? क्या नाम है, हमने क्या नाम बबलू को खबर करी जो उसने शादी कराई थी बिचौलिया जो था, फिर वो आया तब उसने कहा बोला कि भैया मैं तो अपने उसने हमसे 80,000 रुपये भी लिया था, तो बोला हाँ तो खाली पैसे लेने का काम है, पैसे लेकर लड़की आपके घर छोड़ दी बस बात खत्म, उससे आएगा हमारा कोई मतलब नहीं। तो फिर हमने कहा ना मैं थाने में रिपोर्ट कराई, तो उसको कहा पुलिस वाले उस समय ले गए, मगर हमको कल मालूम पड़ा था कि कहना मैं पुलिस वाले ने और भी जगह से आदमी पकड़े हैं, तो हमको बुलाया तो उन्होंने सहाया। कहाँ से पकड़े? ये कहना मैं एक तो खुर्जा से, हाँ जी सर, खुर्जा से पकड़ने के बाद फिर हमको थाने बुलाया तो उन्होंने सहाया था, बोले ठीक है हमने दे दीजिए ये सब, तो ये पूरा गैंग था सर। क्या नाम है आपका? मानव बंसल। आपकी क्या नाम है उस लड़की से शादी? नेहा। नेहा से शादी 14 तारीख को। 14 तारीख को शादी, क्या हुआ था, किस तरह से मामला हुआ था? हमें मिलवाया था कमलेश, कमलेश ने मिलवाया था बबलू और पुष्पा जो उस समय जेल में दोनों जी, उनके खिलाफ पहले एफआईआर हुई, वो दोनों ये बिचौलिए थे, ये बिचौलिए थे, इन्होंने 80,000 रुपये लिए थे दोनों से हमसे, और क्या कहते हैं लड़की दिखाने के लिए 14 तारीख को दशहरा मंदिर बुलाया था चामुंडी देवी मंदिर पर, वहाँ पर लड़की पसंद करा के तुरंत शादी करा दी, लड़की विदा हुई है दो दिन रही है घर पे, वो दो दिन बाद वो बोली कि मेरा भाई आएगा और हमारे एक दिन घर जाने का रिवाज है, लड़की तो सुबह बात हुई लड़की से उसके भाई से प्रदीप से, बोला कि हम शाम 4 बजे तक आ जाएंगे, वो 4 बजे दिन आके रात को आए 10:30 बजे, 10:30 बजे आके मेरे घर वालों ने मना किया नहीं माने वो, मगर वो उन्हें जबरदस्ती बुला के अपने मतलब बात कर करा के बुला के ले गए, ले जाके पहले तो उन्होंने मुझसे कही कि तुम चलो संग और सुबह इन्हें विदा करा के ले आना, मगर वो पापा मम्मी ने नहीं जाने दिया मुझे, बोले सुबह आप भेज देना सुबह विदा करा के ले आएंगे। सुबह जब मैंने फ़ोन किया है तो बोले कि हमारे भैया आ रहे हैं प्रदीप, आप उनके संग आ जाओ मुझे विदा करा के ले जाना, मगर जब फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया तो किसी का फ़ोन उठा नहीं, सबके मोबाइल स्विच ऑफ। फिर उसी समय उसी 11 बजे की घटना हुई है इसके संग, इसकी पत्नी जब बाजार गई है वहाँ से भाग गई है, फिर हमने सबके फ़ोन मिलाए क्योंकि सब भाई बहन बंधु एक थे, ये सब बिचौलिए एक थे, फिर फ़ोन मिलाया सबके मोबाइल स्विच ऑफ आए, किसी से कोई संपर्क नहीं हुआ। फिर जब थाने गए वहाँ पे एफआईआर लिखवाई है, जब उन्होंने कार्रवाई करी है, कार्रवाई में फिर मालूम पड़ी है माली पुस्तकालय की एक कि वहाँ पे सारा गिरोह वहीं बैठता था पहले, प्रदीप वहीं से एक्टिव हुआ है प्रदीप, माली पुस्तकालय से जब मालूम पड़ा तो वहाँ से कुछ नंबर मिले हमें, फिर एक नंबर से मुझे कॉल भी आने लगी है, धमकी भी मिली थी मुझे जान से मानने की। उसके बाद उस लड़की का पता लगा है पुलिस को, फिर कल हम यहाँ से 2 गाड़ियाँ गई हैं सब, तो कहाँ गई थी? पलवल, लड़की पलवल पकड़ी गई है वहाँ से, और उसने एक संजू नाम का लड़का उसका पता बताया जो संग आया था गाड़ी में, उसने फिर बताया क्या ये गिरोह के दो एक शादी और कर रहा था किसी। हाँ, पलवल में जो लड़की मिली है वो वहाँ किसी की शादी हो चुकी थी उससे एक दिन पहले, कल पकड़ी है, परसों उसकी शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल में थी वहाँ से उठाई है लड़की, निशाना और बनानी है फिराक में, फिराक में थी, बताइए कि शादी हो चुकी थी, वहाँ से भी मेरे ख्याल से कुछ पैसे लिए गए हैं, मगर ये कि वहाँ से बस ज्वेलरी वगैरह नहीं मिल पाई है रात को, क्योंकि वो जब तक पुलिस पहुँच चुकी थी। पुलिस की इस कार्रवाई से आप कितने बिल्कुल खुश हैं? सब इस समय सब पूरा गिरोह जेल में है और सब जेल जाएंगे। इस खबर के लिए मेरे सहयोगी प्रिंस राघव के साथ राजीव राजपूत, DMSP न्यूज़ अलीगढ़।